हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हर्षाय चोपड़ा। दोस्तों, एनटीए ने चैलेंज के लिए ओमार सीट अपलोड की है, तो ये काफ़ी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा है कि इसको किस किस स्टूडेंट को चैलेंज करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊँगा कि कौन कौन से स्टूडेंट इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले हम यह जान लें कि चैलेंज कौन कौन से स्टूडेंट करें। तो दोस्तों, आप अपनी ओमार सीट चेक कर लें। ये ओमार सीट मशीन द्वारा चेक की जाती है। जो आंसर आपने दिया है मशीन द्वारा कैप्चर किया जाता है और आपकी ओमार के मुताबिक आंसर दिया है उसके अनुसार मशीन से रिस्पॉन्स सीट तैयार की जाती है। अगर आपने ओमार सीट में पूरा सर्किल ब्लैक करने की बजाय हाफ सर्किल ब्लैक किया है या पॉइंट लगा दिया है या फिर जो सर्किल आपने ब्लैक किया है वो बिल्कुल हल्का है, तो इस प्रकार की कमी के कारण मशीन द्वारा वो आंसर कैप्चर नहीं किए गए हैं, तो आप उस आंसर को चैलेंज कर दें। इसमें मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा देता हूँ कि किस प्रकार से आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास में ओमार सीट है, तो इसमें सबसे पहले वन क्वेश्चन का वन नंबर दिया गया है आंसर, टू क्वेश्चन का थ्री दिया गया है, थ्री क्वेश्चन का वन दिया गया है और फोर क्वेश्चन का थ्री दिया गया है और फाइव क्वेश्चन का थ्री दिया गया है। तो अगर हम इसको एक बार रिस्पॉन्स सीट में चेक करें तो वन का इसमें वन दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। टू का इसमें थ्री दिया गया है, जो बिल्कुल करेक्ट है। थ्री का इसमें वन दिया गया है, वो भी करेक्ट है। फोर का थ्री दिया गया है इसमें, वो भी करेक्ट है। और फाइव का थ्री दिया गया है, ये भी करेक्ट है। तो इस प्रकार से आप रिस्पॉन्स सीट से अपने ओएमआर चेक कर लें। अगर मान लो आपने, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, 49 क्वेश्चन का हाफ सर्किल किया गया है और ये 49 सर्किल रिस्पॉन्स सीट में बिल्कुल ही कैप्चर नहीं किया गया है इसका आंसर, और ऐसे ही 50 के तीन नंबर ऑप्शन में बिल्कुल एक पॉइंट जैसा लगाया गया है, तो इस प्रकार से इसमें हम 50 क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स सीट में देखें तो इसमें मशीन द्वारा इसको कैप्चर नहीं किया गया है। तो इस प्रकार की कमी के लिए आप चैलेंज कर सकते हैं। आप ओमार सीट और रिस्पॉन्स सीट को टेली कर लें। अगर आपकी ओमार सीट में कोई आंसर कैप्चर नहीं हुआ है, जैसे अभी इसमें 49 आंसर भी कैप्चर नहीं हुआ है और 49 और 50 आंसर भी कैप्चर नहीं हुआ है, तो इसमें ये दोनों क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं। इसमें तो इसमें वन क्वेश्चन के 1000 रुपीज़ लगेंगे, तो इन दोनों क्वेश्चनों के 2000 रुपीज़ लगेंगे, तो इसमें ये हमारे को इसके आंसर मिलने की संभावना है, ये हमारे आंसर करेक्ट होने की संभावना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप चैलेंज जरूर करें। आप चैलेंज करते समय एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आप चैलेंज वही क्वेश्चन करें जिसका आंसर आपने सही दिया है और वो मशीन द्वारा कैप्चर नहीं हुआ है। इस कंडीशन में अगर आपका चैलेंज एक्सेप्ट हो जाता है तो आपके 4 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है और वो मशीन द्वारा कैप्चर नहीं हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप चैलेंज न करें, नहीं तो आपका 1 नंबर माइनस होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी थी ओमार चैलेंज के बारे में कि किस किस स्टूडेंट को चैलेंज करना चाहिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियां हम लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।